खबर उत्तर प्रदेश पीलीभीत से। कोतवाली बीसलपुर के पटेल नगर में रहने वाली पूर्व सभासद व किन्नरों के गुरु प्रेमा व शांति समेत अनेक चेलों पर बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गोपी कॉलोनी के रहने वाले राजा राम ने आरोप लगाया था कि प्रेमा शांति उनके चेलों ने बीती 12 मार्च को उसका अपहरण कर घर में बंधक बनाया था, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया, यही नहीं उसे घायल अवस्था में उसे सड़क किनारे फेंक कर चले गए। पीड़ित के परिजनों ने थाना बरखेड़ा में नामजद तहरीर भी दी थी। मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब आरोपी किन्नरों ने खुद को निर्दोष बताते हुए पीलीभीत के किन्नर और युवक की मिली भगत और उन्हें इस मामले में जेल भिजवाकर बरखेड़ा एरिया पर कब्जा करने का आरोप लगाया। किन्नरों का कहना कि उनकी सात पीढ़ियां बरखेड़ा एरिया की मांग कर रही है, पीलीभीत के किन्नर भी इसी मांग पर अड़े हैं, इसी को लेकर ये षड्यंत्र रचने का आरोप है। आरोपी किन्नरों ने सारे आरोपों को निराधार बताते हुए इस घटना को बरखेड़ा एरिया के विवाद में उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। उधर पुलिस ने भी पहुंचकर पीड़ित युवक और आरोपी किन्नरों के बयान दर्ज किए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजा राम। पिता का नाम? मोहनलाल। उम्र कितनी है? 32 साल। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ हम बीसलपुर गए थे जमीन का सामान लेने, तो वहाँ पर सामान लाने में हमारे वहाँ पर बाजार में वो लोग मिल गए। कौन लोग? शांति और प्रेमा और उनके साथ में चार लोग। हाँ, फिर वो हमें पकड़ के अपने घर पे ले गए, वहाँ पर उन्होंने मारा पीटा, मार पीट के बेहोश कर दिया। बाद में उन्होंने हमें पता नहीं क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। फिर हमारे साथ जो बुरे सहूर किए, बुरे से बुरे हजार किए। क्या करा तुम्हारे साथ? हमारे साथ लिंग परिवर्तन किया, काट दिया। काट दिया बस। कितने काटा? शांति ने। कौन से दिन की बात है? ये मंगल वाली रात की। तो तुम भाग वहाँ से आए ना? कहाँ से भाग आते साहब, गेट बंद थे उनके, एक से गेट लगे हुए हैं तगड़े, सबसे बंद कर रखा है। बंद कर रखा था साहब, फोन पट्टा वो भी फोड़। तो आज कैसे आए? आज गाड़ी से छोड़ के गए। कहाँ? भैंसा रोड पे। गाड़ी से? अपनी गाड़ी से? अपनी गाड़ी से, बैन गाड़ी से। तो यहाँ कैसे आए? यहाँ पर हमें 100 नंबर वाले बोले कि आए एम्बुलेंस वाले। अच्छा, आपका? मैं जो किन्नर। कहाँ रहते हैं आप? बीसलपुर। अच्छा, ये प्रेमा है, ये कौन है आपके? हमारे गुरु हैं। अच्छा, एक इन पे आरोप लगा है कि एक राजा राम है उसका गुप्तांग काट दिया, क्या मामला है ये? ये कुछ नहीं, मैं उसको जानते भी नहीं है, कहाँ का है कहाँ का नहीं है, ठीक। और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये क्या षड्यंत्र रचा जा? ये बरखेड़ा लेना चाह रहे हैं, मैं बरखेड़ा देना नहीं चाह रही, ठीक। सात पीढ़ी से छः पीढ़ी मेरी मांग चुकी हैं, सातवीं पीढ़ी पे हमारी गुरु बैठी हुई हैं मांगने के लिए, ठीक है। 45 साल इनको हो गई मांगते हुए, अब वो पीलीभीत वाले बरखेड़ा मांग रहे हैं। अभी चटाई वहाँ गए थे अपने मीटिंग में, वहाँ से 3 बार ये भाजे वहाँ से, तो ये कोई न्याय नहीं हुआ। तो ये जो राजा राम के साथ में हुआ है, ये क्या षड्यंत्र के तहत क्या है? ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया ना, मुझे आज दिन तक मैंने राजा राम को देखा भी नहीं है, कहाँ का है कहाँ का नहीं है। तो पीलीभीत वालों के साथ में है राजा? हाँ जी। नाम आपका? प्रेमा। एक आरोप लगा है, लड़का है राजा राम, बताया जा रहा है उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया, क्या मामला है ये? ये फर्जी मामला है साहब, इसको हम जानते भी नहीं। ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? हाँ। कि आप लोग उन्हें पकड़ के लेके आए थे? हाँ, सब झूठ है। तो है क्या मामला, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बरखेड़ा की खातिर कर रहे हैं। क्या बरखेड़ा? वो कहते हैं कि हमारा है, वो हम लेंगे, हमारी सात पीढ़ी चली आई तब से, उसके बाद में हम सातवीं पीढ़ी पे हम बैठे हैं, मांग रहेंगे तब से हम ही मांग रहे हैं, वो जबरदस्ती हम करना चाह रहे हैं बरखेड़ा ले। तो ये क्या चाह रहे हैं जिन्हें आरोप लगाया? ये बरखेड़ा चाह रहे हैं। तो ये किसी से मतलब कुछ षड्यंत्र है इसमें? हाँ, षड्यंत्र साहब। कैसा षड्यंत्र? कि इसको ऐसा वो इस पार्ट का काट देंगे, आरोप लग जाएंगे, जेल चले जाएंगे, हम मांगने लगेंगे। तो ये मिले किससे? ये पीलीभीत वाले से मिलो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।